सत्र के लिए राज्यपाल की सशर्त सहमति। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को संकेत दिया कि यदि राज्य सरकार कहती है कि उसका उद्देश्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण करना है तो अल्पावधि नोटिस देकर सदन का सत्र बुलाया जा सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रस्ताव वापस करते हुए राज्य सरकार को भेजी टिप्पणी में तीन बातों का उल्लेख करते हुए नया प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इनमें एक यह है कि विधानसभा का सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए। अगर विश्वास सम्मत हासिल करना हो तो अल्पावधि में यह सत्र बुलाया जा सकता है। बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो 20 दिन में दो गुने हुए कोरोना संक्रमण के मामले, हफ्ते में वृद्धि दर 28%। अब तक 917,568 मरीज स्वस्थ और 485,114 का इलाज जारी। 24 घंटे में संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड 49,931 की बढ़ोतरी। वहीं देश में संक्रमितों की संख्या 14,35,453 तक पहुंची। 5 रफाल विमान फ्रांस से भारत रवाना। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए रवाना की गई। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक ये विमान बुधवार को वायुसेना के अम्बाला अड्डे पर पहुँचेंगे। भारत ने वायुसेना के लिए 36 रफाल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। चीन के 47 और ऐप पर रोक। सरकार ने चीन के 47 और ऐप पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब तक चीन के कुल 106 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बताते हुए रोक लगाई जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक जिन 47 नए चीनी ऐप पर अब रोक लगाई गई है, वह पहले बंद किए गए ऐप के ही प्रतिरूप अथवा भिन्न रूप हैं। जिन नए ऐप पर रोक लगाई गई है, उनकी सूची तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाई है और न ही इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने जो सूची बनाई है, उसमें टेंसेट कंपनी का लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है। मौसम ऐप से 200 शहरों का पता चलेगा मिजाज। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए सोमवार को एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इसके जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिल सकेंगी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और इंडिया ने साथ मिलकर यह ऐप तैयार किया है। मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप विभिन्न सेवाओं की पेशकश करेगा। ऐप के जरिए करीब 200 शहरों के तापमान, नमी के स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित मौसम संबंधी अन्य जानकारियां मिलेंगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।